बारिश की आस में लोगों ने नदी के जल को गागरों में भरा और कतारबद्ध होकर एक दूसरे को गागर पास किए। देखते ही देखते मंदिर का गर्भगृह जलमग्न कर दिया। शिवलिंग को पानी में डुबो दिया, साथ ही भगवान से बारिश होने की मंगल कामना भी की। इंद्रदेव लगता है कि इस समय प्रसन्न नहीं है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में बारिश हुए एक महीने से ज़्यादा हो गया। ऐसे में सोयाबीन की फसल के साथ साथ अन्य सभी फसलें खराब हो रही हैं। इसी के चलते गुरुवार को आगर मालवा जिले के गाता नेवरी गांव के ग्रामीणों ने भोलेनाथ के मंदिर को जलमग्न कर दिया। दरअसल भोलेनाथ के मंदिर के पास से ही एक नदी बहती है। उस नदी के पास से मंदिर तक कतारबद्ध होकर ग्रामीणों ने जल को घाघरों में भरा और एक दूसरे को पास करते हुए मंदिर के गर्भगृह को जलमग्न कर दिया। शिवलिंग को पानी में डुबो दिया, साथ ही साथ भगवान से बारिश होने की मंगल कामना भी की। इससे पहले लोगों ने नदी किनारे पर पूरे गांव से एकत्रित करके लाई गई घाघरों को शुद्ध किया। इसके बाद दर्जनों ग्रामीण कतारबद्ध हुए और सारे घाघरों को समीपस्थ बह नदी से भर भर कर शिव भगवान को जलमग्न कर दिया। बता दें कि जब बारिश नहीं होती तब मालवा क्षेत्र में इस तरह के टोने टोटके किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में परिपाटी और टोटके वर्षों से चले आ रहे हैं, जहाँ शिव मंदिर को जलमग्न कर दिया जाता है और भगवान के प्रति इस आस्था के चलते पानी बरसने की पूरी संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।